दोस्तों यहाँ लखपत की इतिहास की मैं बात करूँ तो दोस्तों इधर लिखा हुआ है कि पहली पातशाही गुरुद्वारा का मतलब प्रथम गुरुद्वारा जो कि भारत के गुजरात प्रदेश लखपत नाम के गांव में स्थित है। गुरु नानक देव जी अपनी धर्म प्रचार यात्रा दरमियान अनेक बार उस स्थान लखपत पधारे, जिसका समय 1506 और 1519 1521 उनकी दूसरी और चौथी धर्म यात्रा मानी जाती है। और 15वीं शताब्दी में सऊदी अरब के मक्का मदीना की धर्म प्रचार यात्रा दरमियान गुरु नानक देव जी लखपत पधारे थे। और प्राचीन समय में लखपत सिंध प्रांत की बंदरगाह थी, जो सिंध अभी पाकिस्तान में है। सिंध प्रांत अभी पाकिस्तान में है। गुरु नानक देव जी की अंगत वस्तुएं जैसा कि उनकी चरण पादुका और सिंगारी हुई पालकी और झूला, हस्तकेल वगैरह स्मृति चिन्ह उस गुरुद्वारे में रखे हुए जो और श्री गुरु नानक देव जी लखपत से सिंध सोमियानी बंदरगाह पर गए और वहाँ से मक्का मदीना गए। शुरुआत में उदासी संतों द्वारा उस गुरुद्वारे के सार संभाल की जाती थी, परंतु बाद में आसपास सिख संगत और पोर्ट टाउन स्थित गुरु नानक सिंह सभा गुरुद्वारे ने इस स्थान की सार संभाल करनी शुरू की और धार्मिक क्रियाओं तथा गुरुद्वारा का पवित्र को कायम रखा है। अभी गुरुद्वारे के परिसर में अधिक विस्तार की सेवा चल रही है, जिसमें यात्री निवास, लंगर हाल और दीवान हाल शामिल है। लखपत का संक्षिप्त इतिहास। दोस्तों ये 6ठी सदी में लखपत बस्ता बंदर तरीके जाना जाता था। लखपत एक समुद्र प्रख्यात बंदरगाह था, परंतु 1819 में भूकंप आया और भूकंप में जो सिंध नदी का जो बांध था वो बांध पाकिस्तान में चला गया और तब से वो इधर वीरान, लखपत शहर वीरान हो गया और अभी सिंध नदी है वो पाकिस्तान में बह रही थी। ऐसा कुछ इतिहास है यहाँ का और बहुत अच्छा जगह है। आप भी आइए और हमने तो बहुत सारा इधर टाइम बिताया और लंगर लिया और अंदर घूमे फिरे, बहुत ही मज़ा आया। आप भी आ सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं, अभी कुछ अंदर जा रहे हैं मालूम नहीं, लेकिन जिधर भी जाएंगे उधर का व्यू आपको दिखाने की कोशिश करेंगे दोस्तों। तो मिलते हैं, कुछ नया दिखाने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टाटा, बाय बाय। मिलते हैं एक नई वीडियो में।